हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संजीव स्मार्ट थॉट। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कैपिलरी एक्शन से किस तरह से वजन को उठाया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑयल या वाटर में किस तरह से जो कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं, मतलब अगर उसमें डालते हैं तो उस तरह से जो कैपिलरी अट्रैक्शन होता है उससे मैं वजन को उठा कर दिखाऊँगा। तो ये एक तरह से फ्री एनर्जी की तरह ही काम करता है। इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो अच्छे तरह से देखना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह का जो स्ट्रॉक है, बहुत सारे स्ट्रॉ लिया है। इस तरह का देखिए, इस तरह का स्टॉक है मैंने यहाँ पर, जो कार्डबोर्ड में बहुत सारा छेद किया है, कम से कम 110 पीस छेद किया है। और इसको स्टॉक को इसमें ये गन ग्लू की मदद से इसे चिपका दिया है। देखिए, एक मैं लगा के दिखाता हूँ। मैंने इस तरीके से जो इसमें इसको डालकर इस तरह से छेद कर कर और इस तरीके से जो है गन ग्लू से इसमें सारा को चिपका दिया। कम से कम 110 स्ट्रॉस हैं, इस तरह से चिपका लेना। और जो है आप देख सकते हैं इसका जो छेद है पूरा हाथ पर नजर आना चाहिए, इसका छेद को बंद नहीं करना है पीछे से। मैंने साइड साइड जो है गन ग्लू से इसको चिपका दिया है और ये पूरी पूरा हाथ पर दिखना चाहिए, इसका हाथ पर छेद होना चाहिए। इस तरीके से जो मैंने इसको बना दिया है। और इस तरह का स्टैंड ले लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने स्टैंड बनाया है और यहाँ दो पुलिस लगाया है, देख सकते हैं पूरी से घूम सकता है। तो इस तरह का मैंने ले लिया है। और अब क्या करना है, आप देख सकते हैं मैंने इसे धागे की मदद से, ये स्टैंड है जो इसका पुली में इसे लगा दिया है इस तरीके से। तो अभी आप देख सकते हैं इसका भार जो है इसका ज़्यादा है, तो ये नीचे जा रहा है, तो इसको दोनों को बैलेंस को बराबर कर देंगे। तो इसके लिए मैं इसमें पानी डाल दूँगा जैसे कि ये बैलेंस हो जाए। तो ये किस तरह से काम करता है, मैं इसे समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो बहुत ही ज़रूरी है। उसे आप देख लेते हैं तब इसको समझ में आएगा ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए पहले उसे देख लेते हैं। और ग्लास में मैं क्या करूँगा, ये जो है किरोसिन ऑयल है मेरे पास, तो मैं इसमें भर देता हूँ किरोसिन ऑयल को। पूरा अच्छा तरह से इसको ऊपर तक भर देता हूँ। देखिए, इसको पूरा मैंने भर दिया है। और मैंने इस तरह का स्टॉल ले लिया है। देखिए, इस तरह का, देखिए पूरी तरह से जो हार पर से ये जो है खाली है। और मैं जैसे ही इसमें डालता हूँ तो देखिए इसमें जो कैपिलरी अट्रैक्शन को ऐसे, कैपिलरी एक्शन को ऐसे जो है इसमें ऑयल जो है इसके ऊपर तक चलाया है, सरफेस से ऊपर तक। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ऑयल है इसमें पकड़ कर रखा है। तो ये कैपिलरी एक्शन को ऐसे जो है इसमें ऑयल को पकड़ कर रखा है। तो इसके वजह से मैंने देखा है कि इसमें जो है पाइप में जो है भार भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक खाली पाइप इस तरह का रहता है और एक इसमें जो ऑयल भर जाता है तो इसमें वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस तरह का जो है इसका जो स्टॉक का जो वजन है बढ़ जाता है और इसमें भार बन जाता है। और जिसका भार है ये तब तक बना रहता है जब तक कि ये नीचे तली में ना चला जाए। तो आप देख सकते हैं जो मेरा सेटअप था उसी तरह से जो है सेम बराबर है। आप देख सकते हैं भार दोनों का जो है बराबर है, इसी तरीके से मैंने छोड़ा था, इसी तरीके से है। तो अब क्या करना है कि इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे और यहाँ जो है इस तरह का डब्बा लेंगे और इसमें जो है ऑयल भर देंगे अच्छे तरीके से। इसमें जो है ऑयल भर देंगे पूरी तरह से, तो केरोसिन ऑयल से इसमें को पूरा भर देंगे। कहते हैं मैंने जो है इस डब्बे में जो है केरोसिन ऑयल भर दिया है। तो अब क्या करते हैं, देखिए इसको जो मैं नीचे इस डब्बे में ले जाता हूँ तो फिर क्या होता है, देखिए इस इन दोनों का वजन जो है सेम बराबर है। और जैसे ही मैं इसको नीचे ले जाता हूँ और इस डब्बे में केरोसिन ऑयल का जो सरफेस उसमें टच करता हूँ तो क्या होता है, देखिए इसमें जो है भार बन जाता है। और क्या होता है कि ये जो है इसमें भार बन गया है, आप देख सकते हैं ये। अब क्या हो रहा है, इसमें भार बन गया है जबकि इसमें कुछ भी मैंने डाला नहीं है, सिर्फ जो डब्बा के अंदर जो केरोसिन ऑयल है इसमें इसका सरफेस मैंने टच किया है, तो इसमें इस तरह से भार बन गया है। और ये भार तब तक बना रहता है जब तक कि ये तली तक सट नहीं जाता है। तो इस तरीके से जो है इसमें भार बन रहा है, तो कितना भार बन रहा है तो उसे नापेंगे। आप देख सकते हैं जो है मैं यहाँ एक सिरिंज ले रहा हूँ, सिरिंज से जो है वाटर को इसमें जो है डालता हूँ इसमें। देखिए इतना पानी जो मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो जो है इसका जो भार कितना है पता चल जाएगा। देखिए अभी भी इसमें और पानी जाएगा। हम देख सकते हैं कि इतना भार जो है ये जो है कैपिलरी एक्शन की वजह से जो है इसमें बना हुआ था। और अभी देखिए अब इसको उठा ले रहा है, जैसे ही मैं पाइप को स्ट्रॉ को ऊपर कर ले रहा हूँ तो ये उसको उठा ले रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो है इसमें जो है भार बन रहा है कैपिलरी एक्शन की वजह से, कैपिलरी अट्रैक्शन की वजह से जो है स्ट्रॉ में भार बन रहा है।
और इससे भी कुछ भी वजन को उठाया जा सकता है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और भी वीडियो देखने सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।